हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, जहां पर एग्जिट पोल में कांग्रेस की दमदार वापसी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल सामने आ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें आगे है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर पीछे नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, अधिकतर सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 20 से 35 सीटें मिली है, कांग्रेस को 50 से लगभग 60 सीटें मिलने के आसार है। तो कहीं ना कहीं इस सर्वे के बाद ये जानकारी सामने आ रही कि 10 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी हो सकती है। ये बड़ी खबर है हरियाणा चुनाव से जुड़ी, ये बड़ी जानकारी। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अब किसकी सरकार बनने वाली है, कौन सत्ता में काबिज होने वाला है, इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले जो आंकड़े एग्जिट पोल में सामने आ रहे हैं, उससे राजनीतिक मौसम गर्मा गया है। एग्जिट पोल में एक ओर जहां हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के लिए अच्छी खबर है, तो बीजेपी के लिए सत्ता में आने का रास्ता अभी भी दूर है। सबसे पहले बात हरियाणा के एग्जिट पोल की, जहां हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से सर्वे एजेंसी के मुताबिक इंडिया टुडे, एक्सिस बाय इंडिया एनडीए को 21, इंडिया गठबंधन को 59 और अन्य को 2 से 6 सीटें दे रही है। ध्रुव रिसर्च सर्वे एजेंसी एनडीए को 27, इंडिया गठबंधन को 57 और अन्य को 0 से 6 सीटें दे रही है। तो वहीं सीएनएन 24 एनडीए को 21, इंडिया गठबंधन को 59 और अन्य को 10 सीटें। रिपब्लिक मैट्रिक्स सर्वे एजेंसी के मुताबिक एनडीए को 18 से 24 सीटें, इंडिया अलायंस को 55 से 62 सीटें और अन्य को 2 से 5 सीटें दी गई। यानी कि सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा जीत दिखाई जा रही है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां भारतीय जनता पार्टी की रथ को रोकने के लिए कांग्रेस और एनसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। घाटी की 90 सीटों वाली विधानसभा में भी मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। यहां सर्वे एजेंसी के मुताबिक, यहां इंडिया टुडे सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी को 27 से 32 सीटें, एनसी प्लस कांग्रेस को 40 से 48 सीटें, पीडीपी को 4 से 7 सीटें और अन्य को 12 से 18 सीटें मिल रही। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के मुताबिक बीजेपी को 25, एनसी प्लस कांग्रेस को 27, पीडीपी को 28 और अन्य को 7 सीटें। न्यूज 24 चाणक्य के मुताबिक बीजेपी को 23 से 27 सीटें, एनसी और कांग्रेस के अलायंस को 46 से 50 सीटें, पीडीपी को 7 से 11 सीटें और अन्य को 4 से 6 सीटें। पीपुल्स पल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 23 से 27 सीटें, एनसी प्लस कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, पीडीपी को 7 से 11 सीटें और अन्य को 4 से 6 सीटें। यानी जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस सत्ता में आती दिखाई दे रही है। हालांकि असल नतीजे 8 तारीख को सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर एग्जिट पोल में सामने आ रही है, उसी दोनों सूबों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। टीम न्यूज़ स्टेट।